शासन के निर्देश से प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत प्रदेश के सभी कार्ड धारकों को 15 मई से निःशुल्क राशन व चना का वितरण शुरू कर दिया गया है, जिससे किसी को भी भूखा न सोना पड़े। जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि जिले में 8.5 लाख से ऊपर कार्ड धारकों को दूसरी बार प्रति यूनिट 5 किलो चावल तथा प्रति परिवार को 1 किलो चना का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें कम्युनिटी किचन के माध्यम से प्रति परिवार 35 किलो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाए, इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा यह पहल की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, भूखा नहीं सोएगा और राशन वितरण किया जाता है, प्रवासी मजदूरों को भी राशन देने की बात हो रही है। तो अभी आज 15 तारीख है तो कुछ राशन वितरण शुरू हो रहा है। देखिए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अनुसार केंद्र सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किए थे और राज्य सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किए थे, उसी के नतीजा है हम 2 बार 8.5 लाख कार्ड धारक है, यहाँ परिवार है यहाँ का गोरखपुर में, सभी के हम लोग 2 बार फ्री में अनाज दे चुके हैं। आज है 15 तारीख से, हम कल से शुरू हो गए, एक तरफ से आज बट भी रहा है, 1-1 किलो चना है हर परिवार को हम दे रहे हैं। उसके अलावा फिर दोबारा जो चावल भी हम फ्री में वितरण शुरू कर दिए। तो सरकार का मंशा यही है, जो भी कितने भी व्यक्ति है जो प्रदेश में देश में कहीं से भी है, कोई भूखा नहीं रहना है, उसी के हिसाब से आज वितरण कर रहे हैं। उसके अलावा जो किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, अब तक 10,000 राशन कार्ड हम गोरखपुर में बनवा चुके हैं और किसी को और ज़रूरत है उनको बनाते भी जा रहे हैं हम लोग। और उसके अलावा मान लीजिए कोई बाहर व्यक्ति भी कहीं फंस गए, यहाँ मान लीजिए कहीं झारखंड का है, बिहार का, उन्हीं लोगों को कम्युनिटी किचन के जरिए से हम लोग अलग पैकेज बना करके 35 किलो उनको राशन सफिशिएंटली दे रहे हैं। और बाहर से कितने मजदूर लौट के आए हैं उनको भी 1 महीने के पूरे राशन वो अतिरिक्त दे रहे हैं हम लोग, उनका राशन मिला ना मिले उसके अतिरिक्त हम लोग राशन भी बंटवा रहे हैं। इसलिए तो सरकार की एक ही मंशा तो साफ है, कोई व्यक्ति भूखे नहीं रहना है, कोई व्यक्ति जो भोजन के लिए परेशान ना हो जाए, इसी के लिए हम लोग उसी दिशा पे काम कर रहे हैं। और कहीं से भी कोई छूटे हुए तो हमें इन्फॉर्म कर लीजिए, उनको भी हम व्यवस्था करा लेंगे।